name of Allah, who converts the day into night and the night into day. Today, I am Muhammad Irfan from Doctors English Language and Sciences Academy, Kawa Saifullah. Once again, my topic is about language. Zaban. Chalo, apne topic ki taraf. The main source of communication among human beings is called language. इंसानों के दरमियान जो मेन रबते का जो मेन जरिया होता है उसको हम लैंग्वेज का नाम देते हैं, यानी इंसान एक दूसरे के साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए बहुत से जरा इस्तेमाल करते हैं, यानी जरा इस्तेमाल करते हैं, उसका जो मेन अहम जरिया है वो है लैंग्वेज। इसके बाद काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के कितने अक्साम है? देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के जो अक्साम है वो तीन अक्साम है। फर्स्ट है, फर्स्ट जो है वो है मदर टंग। उर्दू में हम इसको मादरी जबान कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको हम मादरी जबान? इसलिए कहते हैं जो फैमिली मेंबर एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, बात करते हैं, उसको हम मादरी जबान कहते हैं। जैसे हम पश्तो हमारे मदर टंग है। इसके बाद दूसरा है नेशनल लैंग्वेज, कौमी जबान। कौमी जबान है क्या? वो जबान जो एक मुल्क अपने शनाख्त या अलामत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उसको हम नेशनल लैंग्वेज कहते हैं, जैसे उर्दू हमारा नेशनल लैंग्वेज है। जो तीसरा है वो है इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंटरनेशनल लैंग्वेज को हम उर्दू में बैन अवी जबान कहते हैं। क्यों कहते हैं? दुनिया में जो मौजूद ममालिक है वो एक, क्योंकि बैन अवी का मतलब ये है कि कौम एक दूसरे के साथ, दुनिया में जो मौजूद ममालिक है वो एक दूसरे के साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए जो जबान इस्तेमाल करते हैं।